खड़ा हो जाओ भाई। अरे मास्क लगाओ यार दोनों तीनों। क्या महंगी आती थी मंजे वाली है? कितने की आती है ये चरखी टाइप से? 200 रुपये। सीकर कट साहब श्री हेविचल जी चतुर्वेदी और एसपी साहब डॉक्टर गगनदीप जी सिंगला ने पूरे जिले में ही हमारे एडिशनल एसपी साहब देवेंद्र जी शर्मा और हमारे सीओ साहब ओम प्रकाश तलानिया जी के निर्देशन में इस अवैध मांजा के खिलाफ कार्रवाई हेतु मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें मैंने हमारे जयप्रकाश एएसआई जीवराज और राकेश सिपाही को स्पेशली मैंने कस्बे में लगाया था, जिन्होंने आज मुखबिर की इत्तला पर लक्ष्मीनाथ स्कूल के सामने ओम टावर जो है उसमें बरामदे में ये 115 धातु निर्मित जो अवैध मांजों की चरखी है उसको बरामद किया है, तथा एक रविकांत मटोलिया नाम से व्यक्ति है जो इनको बेच रहा था, जिनके कब्जे में ये थी, उनको जब्त किया है तथा रविकांत मटोलिया को गिरफ्तार किया है। चूंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको लेकर के कलेक्टर साहब और एसपी साहब बहुत ही सीरियस है और ये हमारा जो अभियान है ये बहुत ही गहराई से मैंने सिविल में और भी अपने कांस्टेबल्स को तैनात किया है, ताकि कस्बे में बिल्कुल जो ये अवैध मांजा है इसका ना ही तो कोई उपभोग करे ना ही इसको कोई बेच पाए, इसकी कार्रवाई और सघनता से हमारी जारी रहेगी। इसको हमने आज गिरफ्तार किया है, ये कार्रवाई हमने की। लोगों से क्या अपील करेंगे इस लोगों से? मेरी बिल्कुल तहदिल से अपील है कि जिन भी लोगों ने थोड़े दिनों पहले ही हमारे फतेहपुर में जो इतना ज्यादा अवैध मांजा से एक पैर जो हड्डी तक कट गई थी, आप सोचिए जिस तरह के हम दृश्य हम देखते हैं, जिस तरीके से जगह जगह पूरे जिले में पूरे स्टेट में हर जगह जो अवैध मांझे से इससे धातु निर्मित मांझे से जब कट जाता है आदमी, गर्दन कट जाती है, डेथ हो जाती है, पशु पक्षी हैं वो कट जाते हैं, इसलिए मेरी बिल्कुल बहुत विनम्र अपील है कि इसको कोई भी नहीं बेचे तथा ना ही उसको खरीदे तथा ना ही इसको पतंग उड़ाने में प्रयोग मिले। थैंक यू।